हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। सो फाइनली आज हम आपके सामने लास्ट लेक्चर लेकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। बहुत लंबा खींच गया, बट देखो है बहुत इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस चैप्टर में हम लोग मार्जिन जो पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं सबको यूज करते हैं। सो स्पेशली IIT में बहुत ज़्यादा चांस है कि क्वेश्चन इसी चैप्टर से, इसी टॉपिक से आता है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ का नॉलेज आपका चेक कर लेते हैं। इसलिए मैंने बहुत आराम से छोटा टॉपिक होते हुए बहुत सारा क्वेश्चन कराते हुए आपको बहुत धीरे पढ़ाया। ठीक है, आज इसको कंप्लीट करते हैं। सो पहले हमने पिछला क्लास तो बहुत हैप्पी कर दिया था। वहां पे क्या बहुत सारा बात की थी म्यूचुअल इंडक्टेंस का। देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आते हैं, कि जो मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कंसीडरिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस सीरीज पैरेलल इनर्जी। अभी तक तो मतलब कहीं पूछा ही नहीं था इस तरह से जेईई मेन नीट में, इस तरह से एडवांस पूछा है। तो अब हमने इसलिए आपको थोड़ा अच्छे से उसको बताया कि जेईई एडवांस हो सकता है। नीट में अगर बहुत कुछ पूछा तो L1 L2 सीरीज में म्यूचुअल इंडक्टेंस कैंसिल करो। इफ दे आर कपल इन सेम डायरेक्शन देन L1 प्लस L2 प्लस 2M, इफ दे आर कपल इन अपोजिट डायरेक्शन इक्विवेलेंट विल बी L1 प्लस L2 माइनस 2M। अब यहाँ पे देखो एक दिक्कत, हम बात करते हैं कपलिंग की। यहाँ पे एक चीज है, मैं जान बोझ के पिछले क्लास में आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, वो आज फ्रेश से स्टार्ट करते हैं फिर से। देखो हम बोलते हैं कि हमारे पास दो कॉइल है, ये सीरीज में है, ठीक है, और ये, और दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है। मान ली कि करंट यहां पे, लेट्स अज्यूम यहां से करंट आउट हो रहा है और यहां करंट इन हुआ, समझो, और यहां करंट इन हुआ। पिछले क्लास आपको ने बहुत टाइम दिया, समझाया, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, ज्यादा देर नहीं लूंगा इसमें। कि करंट इस तरह से जा रहा है दोनों में, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो जब हम L1 का इफेक्ट L2 पे देखेंगे तो सेम फील्ड लाइन पास करेगा, राइट? इसका इफेक्ट जब इस पे देखेंगे तो सेम फील्ड लाइन पास करेगा, ओके? तो अगर हमने इसमें फ्लक्स, इसमें करंट को बढ़ाया, मान लिया I बढ़ा रहे हैं, तो अगर इसमें फील्ड बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में फील्ड बढ़ रहा है, मतलब दोनों का इसका दो मतलब एक देखो, इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड भी यहां पे इधर है और इसके कारण फील्ड इसमें भी इसी डायरेक्शन में, राइट? ये L1 का पूरा फील्ड लाइन हो गया। अगर हम सेकेंड इंडक्टर का देखें, L2 वाले का, उसका फील्ड लाइन भी ऐसा ही होगा, तो उसका खुद में भी होगा उस डायरेक्शन में, ये मतलब दोनों कॉइल में ऐसा ही फील्ड होगा, ओके? So, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है। सो अगर हमने इस करंट को बढ़ाया, इसमें इस डायरेक्शन में फील्ड बढ़ेगा, इसमें इसी डायरेक्शन में फील्ड बढ़ेगा। मीन्स अगर इसमें इस डायरेक्शन में फील्ड बढ़ेगा तो इस अगर हम देखते हैं कि इसके कारण यहां से यहां पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, राइट? डिक्रीज करेगा, एंड दैट इज ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस L1 di/dt। चलो हम देख रहे हैं इन L1 या फ्रॉम बिटवीन A टू B बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। VA माइनस VB, VA ज्यादा है, दैट विल बी L1 di/dt, करंट सेम है। अब बताओ जब ये I बढ़ रहा है तो इसमें भी I बढ़ रहा है, मतलब और इसके कारण फील्ड यहां पे इधर ही है और सेम फिलाने से पास कर रहा है, तो इससे भी सेम डायरेक्शन में फील्ड बढ़ रहा है। तो इस फील्ड को घटाने के लिए करंट को अपोजिट डायरेक्शन में देना पड़ेगा, मीन जो यहां पे हुआ था। सो इसीलिए प्लस हो जाएगा M di/dt, ओके? कोई दिक्कत? ये हम पिछले क्लास में एक्सप्लेन किए थे। अब सेम थिंग करते हैं, दोनों भी करंट का सेंस सेम ही है, और अब हम इसको साइड बाय साइड रखते हैं इस तरह से, हम एक लाइन में नहीं रखते, साइड बाय साइड रखते हैं। अब बताओ इसमें अभी भी करंट ये है, यहां पे डॉट है मतलब बाहर आ रहा है और यहां पे क्रॉस है, और इससे भी करंट सेम है, डॉट है क्रॉस है, और साइड बाय साइड रखे हुए, ठीक है? और इसको साइड बाय साइड रखते हैं तो इसका फील्ड लाइन क्या होगा इधर? सो इसका फील्ड लाइन ये है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा? इस तरह का कुछ होगा इसके बाहर। सो इसमें फील्ड लाइन इधर है और ड्यू टू L1 इसके कारण इसमें फील्ड लाइन अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जब इसमें करंट बढ़ाएंगे तो इसमें इधर फील्ड बढ़ेगा, और इसका असर जब इस पे देखेंगे तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड इधर बढ़ रहा है,
मीन्स इंड्यूस करंट जो होगा वो इस फील्ड इधर वाले फील्ड को घटाना चाहेगा, ये बढ़ रहा है मीन्स वो उधर फील्ड देगा मीन्स इसका इसका अच्छा ये हुआ L1 का हमने फील्ड लाइन बना दिया। अब L2 का बनाते हैं पूरे दोनों में दूसरे कलर से L2 का बनाते हैं। L2 का फील्ड लाइन कैसा होगा ये अभी L2 कारण खुद के कारण ऐसा ऐसे है और जब इससे जाएगा तो ऐसा। So, अब आप देखो हम अब इस इंडक्टर पे लिखते हैं यहां से हम पोटेंशियल डिफरेंस अगर ये अब खुद के कारण जो इफेक्ट होगा खुद के कारण जो चाहेगा सेल्फ इंडक्शन वो चाहेगा ब्लू वाले जो इस डायरेक्शन में फील्ड है उसको डिक्रीज करना और इसके कारण जो होगा वो इसको डिक्रीज करेगा मतलब इधर फील्ड बढ़ाएगा मतलब दे आर अपोजिट। दोनों में करंट का सेंस सेम है फिर भी फील्ड अपोजिट है। यहां भी करंट का सेम सेंस है पर दोनों में फील्ड सेम है। तो आपको हम पिछले क्लास में कंफ्यूज नहीं करने के सारा ऐसा वाक्य डील किए थे ऑल दो फिगर में आपको ऐसा बना दिए होंगे तो वहां पर मैं अपोजिट डायरेक्शन करेंगे व्हाट एवर। आपको भी बिल्कुल केयर होना है कि सेम सेंस में भी करंट में कैसे क्वाइल रखा हुआ है उस पर डिपेंड करेगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। तो आपको लाइव क्लास में पिछले क्लास में चर्चा करते हैं हम लोग यूज करते हैं डॉट कन्वेंशन। इस लफड़ा कितना लफड़ा यार देखने में तो हम लोग क्या यूज करते हैं कॉलेज में डॉट कन्वेंशन कितना लफड़ा देखना नहीं होता है। मैं आपको समझाता हूँ डॉट कन्वेंशन क्या है लेकिन आप पहले इस चीज को समझो डॉट कन्वेंशन क्यों लिए कि सेम सेंस में करंट है इसमें इसमें तो यहां पे म्यूचुअल और सेल्फ दोनों ऐड हो रहा है और यहां पे अपोज कर रहा है बिकॉज़ सेल्फ के कारण फील्ड इधर है और इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर है दोनों फील्ड अपोज डायरेक्शन में है। सो अगर वो इस फील्ड को सेल्फ के कारण वो इस फील्ड को घटाएगा और म्यूचुअल कारण इस फील्ड को घटाएगा तो दोनों अपोज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। सो इस केस में अगर हम वीए माइनस वीबी लिखेंगे तो क्या होगा एल वन डी आई बाई डी टी माइनस एम डी आई माइनस होगा दोनों करंट का सेंस सेम ही है। तो अगर शॉर्ट में अगर हम समझें अगर आपको डॉट हम बताएंगे डॉट कन्वेंशन नहीं लिया हुआ है आप सिंपली फील्ड लाइन ड्रॉ करो और देखो खुद का फील्ड लाइन और दूसरे का फील्ड लाइन अगर इसे को सपोर्ट करा है सेम डायरेक्शन में है तो प्लस होगा अगर फील्ड लाइन अपोज डायरेक्शन में है तो माइनस होगा डायरेक्ट सेट उसका खुद का फील्ड लाइन ड्रॉ कर लो। तो इसका अब मान ले इस लूप इस L1 वाले फर्स्ट इंडक्टर में इसके खुद का मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर है और फर्स्ट वाले इंडक्टर में इसका इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपोजिट डायरेक्शन में तो उनका फील्ड लाइन अपोजिट डायरेक्शन में माइनस। अगर फील्ड लाइन का डायरेक्शन सेम होता तो सिंपली अगर ये करंट बढ़ाएंगे तो वाला फील्ड लाइन बढ़ रहा है तो उस फील्ड लाइन को घटाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में करंट देता सो करंट उल्टा फ्लो करता मींस ये प्लस होता ये माइनस होता। बट इसका इफेक्ट देखेंगे इसमें अगर करंट बढ़ेगा इस आई को बढ़ाएं इसमें करंट बढ़ेगा इसमें जब करंट बढ़ेगा मीन्स इसका इफेक्ट अगर हम फर्स्ट में देखें तो इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। अब उस फील्ड को डिक्रीज करने के लिए उसको मैग्नेटिक फील्ड इधर देना पड़ेगा राइट। सो ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में था ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन देना इंड्यूस करंट को मतलब यहां पे माइनस आ गया। तो मैं क्लियर कंफ्यूज नहीं कर रहे ना ये हमने सिंध का पैरल में दिखा होता है ऐसा देखो पैरल में दिखाते हैं थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसलिए मैं आपको शॉर्ट कर दिया ना कि आपको बस फील्ड लाइन देख लेना है। मुझे पता है इतना हर किस साल करवाते हैं इस साल में करवाना मुझे एडवांस पूछा है अदरवाइज मैं इतना नहीं करवा था किसी भी साल बस फॉर्मूला लिख के छोड़ देते हैं। ध्यान दीजिए अब मान ली पैरेलल में है ऐसे जुड़ा हुआ है मान ली कि ये ए है और ये बी है ठीक है और ऐसे जोड़ दिया ये दोनों पैरेलल है दोनों पैरेलल है। अब अगर हम फिर दोनों करंट का सेंस सेम है मान लेते हैं ऐसा
कंडीशन सेम है, टॉप से आउट हो रहा है। अब अगर फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, हम इसका पूरा फील्ड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा होगा, राइट? दोनों में मतलब इसमें अगर ये डायरेक्शन में फील्ड बढ़ेगा, इसमें भी इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, मतलब यहां पे जो इफेक्ट अगर हम इसका इफेक्ट इस पे देखेंगे, सो ओके। अब देखो इसका खुद का इफेक्ट यहां पे क्या होगा, इस फील्ड को घटाना चाहेगा और सेम थिंग यहां भी करेगा, ओके। अब इसका बनाते हैं फील्ड लाइन, वो भी यही होगा। ये हमने एल्टो का बनाया, रेड से दिख रहा है कि नहीं, इसको ब्लू कलर से बनाते हैं, एल्टो वाला। सो ये है एल्टो वाला। अब देखो, अब सिंपल हमने बना दिया दोनों का फील्ड लाइन, अब दोनों का फील्ड लाइन सेम है। अच्छा, तो अब खुद के कारण यहां से यहां कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। चलो हम लिखते हैं ए बी, तो खुद के कारण ये ए बी है, ठीक है। वैसे यहां फिर से ए बी ही होता तो कंफ्यूजन के लिए, मैं यहां पे कंफ्यूजन हटाने के लिए यहां पे ले दूंगा पॉइंट ये सी है और ये डी है, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है क्योंकि दोनों पैरेलल में है, सेम वायर गया हुआ है भाई। यहां अगर ए है तो यहां भी ए ही है, तो हम बस पॉइंट दे दिए सी और डी, पोटेंशियल नहीं लिखे हैं। सो यहां से यहां खुद के कारण, खुद के कारण यहां से यहां पोटेंशियल घटता है क्योंकि करंट डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं है। इफ वी मूव इन डायरेक्शन ऑफ करंट, पोटेंशियल डिक्रीज ड्यू टू इट्स ओन करंट, एल डी एवरेज से। अब इसका इफेक्ट इस पे देखना है ना, तो देखो खुद के कारण जो फील्ड है यहां पे, मतलब सेकेंड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन में अलग अलग, तो अगर डायरेक्शन सेम है कुछ नहीं ऐड कर दो, कोई लफड़ा नहीं। जो इसका खुद के कारण फील्ड था, अगर वही फील्ड का डायरेक्शन दूसरे कारण भी है, सिंपली ऐड कर दो, ओके। लिखो बी सी माइनस बी डी, खुद के कारण यहां से पोटेंशियल डिक्रीज होता है मूविंग डायरेक्शन ऑफ करंट, नो प्रॉब्लम, ओके। और हम देखते हैं खुद के कारण इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें इधर था, क्योंकि हमने L2 वाला फील्ड लाइन दूर से ड्रॉ किया है, उसका फील्ड लाइन ये है, और L1 का भी फील्ड लाइन L2 से ऐसा ही पास कर रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, सिंपली ऐड कर दो, जो हम आपको पिछले क्लास में करके दिखा रहे थे। तो हम पिछले क्लास में जितना कुछ केस लिए थे, सिंपली मानते दोनों का मैग्नेटिक का डायरेक्शन एक एक आंसर में सेम है, ऐसा वाला केस है पैरेलल में, ठीक है, ओके। अब सेम थिंग को हम थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं, ऐसे 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 जोड़ते हैं। अभी मान ली करंट दोनों में सेम सेंस में करंट, So, आपको हम फिगर पिछले क्लास में ये दिखाए थे, बट दिमाग में हम आपको हर जगह सेम सेंस दोनों फील्ड का सेंस सेम था। अब मान लिया ऐसा फिगर है, मतलब दे आर केप्ट इन साइड बाय साइड, सो ये भी पैरेलल था, पिछला वाला फिगर भी पैरेलल, दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, बट देखो केस पूरा चेंज हो जाएगा। अब इसका फील्ड लाइन ड्रॉ करो, ये ऐसा होगा फील्ड लाइन, राइट? और इसके बाहर फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाएगा, तो इससे ऐसे जाएगा, सो ये होगा फील्ड लाइन ड्यू टू L1। L1 का फील्ड लाइन हमने ब्लैक से बना दिया, ओके। अब इसका बनाते हैं L2 का ब्लू से बना देते हैं, इसके कारण इसमें जो करंट और ऐसे कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा होगा ऐसा, तो इसमें तो इसका फील्ड लाइन पूरा अच्छे से दिखाते हैं ऐसे, ओके। अब इसका बनाते हैं लाइक दिस, दिस, ओके। अब हमको लिखना है बी ए माइनस बी, ये लिखना है। चलो इसमें करंट आई वन है, इसमें करंट आई टू है, So, अब बोलो क्या लिखो इस केस में। तो इस केस में अब देखो इसका खुद इसका फर्स्ट इंडक्टर से देखते हैं, खुद कारण फील्ड लाइन इधर है
और इफ यू आर मूविंग डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीज है, सो पोटेंशियल डिक्रीज किया यहां से यहां, नो प्रॉब्लम। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, तो इसका खुद का फील्ड लाइन इधर था बट एल टू करंट फील्ड लाइन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या करना पड़ेगा माइनस। होपफुली नॉट क्लियर, सिंपली फील्ड लाइन देख लेना, करंट भूल जाओ। So, हम जो पिछले क्लास में आपको लिखा था सेंस ऑफ करंट, उससे अच्छा क्या होता है वहां पर लिखो, इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बोथ आर इन सेम सेंस, तो ऐड करेंगे इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू बोथ आर इन अपोजिट सेंस, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट्स इट। मूव इन डायरेक्शन ऑफ करंट, इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू अ लूप ड्यू टू सेल्फ करंट एंड ड्यू टू अदर लूप इज इन सेम डायरेक्शन, पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली ऐड होगा। अगर दोनों सेम में है, अपोजिट में है तो डिफरेंट माइनस। Am I clear? पक्का ना? So, अगर इसका जो खुद का मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा और दूसरे काम जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, अगर दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम डायरेक्शन में है, यहां प्लस साइन। अगर इसका जो खुद का फील्ड लाइन है और दूसरे काम जो फील्ड लाइन से पास कर रहा है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस साइन। We can also write this L2 di2 by dt minus, again अपोजिट डायरेक्शन में, ये। सो आपको कंफ्यूज करना, पिछले क्लास में जो मैं फिगर बनाया था उस वहां पे मैं हर जगह ये मांगता था पैरेलल लिख दिया, फिगर आपको समझा दिखाने के लिए, इजीली दिखाने के लिए फिगर बना दिए थे, बट वहां पे हर जगह हमने ये माना कि इस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड लाइन का सेंस सेम है, मतलब प्लस लिया था हमने, आपको यहां प्लस प्लस लिया था, मतलब जो हम पिछला आपको केस दिखा है वो वाला केस था कि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इधर है और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर भी, मतलब ऐसे साइड बाय साइड इस तरह से रखा हुआ था इस लाइन में, और अभी जब इस तरह से रखे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन चेंज हो गया। सो कंप्लीटली डिपेंड करता है इसका इफेक्ट माइनस होगा या प्लस होगा, कैसे रखे है? तो बहुत लज्जा है, तो इससे बचने के लिए हमारे पास एक डॉट कन्वेंशन है। अच्छा, अगर कुछ समझ में आए देखने से, कुछ क्लियर डिसीजन आता है और करंट का सेंस दे दिया है, कुछ दिया नहीं, ऐसे से बना दिया है कि करंट आए ऐसे दे दिया, मान लो कुछ दिखाया नहीं ऐसे बना दिया एमिटर और ऐसे बना दिया, करंट का सेंस दिया नहीं और सिंपली ऐसे बना दिया। अच्छा, इसी के समझ लो, एक और एग्जांपल लेते हैं, ऐसा है और ऐसा है, ठीक है, यहां पे करंट ऐसे है, ठीक है, और यहां पे करंट ऐसा है, दोनों पैरेलल है, नो प्रॉब्लम, ऐसा, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, इसका फील्ड लाइन बनाते हैं इस तरह से बनेगा, तो इसका फील्ड लाइन ऐसा बनेगा, दिस दिस दिस, नो प्रॉब्लम, इसका फील्ड लाइन ये बन गया, ठीक है, बिकॉज ये था। अब इस सोलेनोइड को बनाओ, इसमें करंट यहां पे इन कर रहा है, मींस फील्ड लाइन ऐसा बनेगा, दिस, बिकॉज करंट क्या है यहां पे इन किया, यहां पे करंट इन किया, यही सब कुछ है, सारा गेम चल जाएगा इससे, ये ऐसा है मींस यहां पे करंट इन किया तो इसका फील्ड लाइन ऐसा बन गया, अब देखो साइड बाय साइड रखा हुआ है, तब भी अब बताओ भीएमएस धीरे क्या लिखेंगे, इसके कारण L1 di1 by dt, right? L1 di1 by dt, खुद करने का राइट, यहां से पोटेंशियल डिक्रीज करता है। अब जब इसका क्या देखेंगे, अरे भाई इसका जो खुद के कारण फील्ड है ब्लैक वाले से इधर और ब्लू वाले सेम डायरेक्शन में है, तो M कर देंगे बिल्कुल बिना कुछ अकल लगाए, प्लस है, बिकॉज दोनों फील्ड का डायरेक्शन सेम है। अब इसमें जाने करंट डायरेक्शन में, we are moving in direction of current, potential decreases due to self induction by L2 di2 by dt, no problem. अब M plus करें या minus करें, अरे इसका खुद का current field किधर है, मेरी तरफ blue है, इसका खुद का current, second वाले खुद का current field क्या draw किया है blue से, इसका effect one का effect भी इधर ही है, plus हो गया।
सो कंफ्यूजन कहां हुआ था, हमने पिछले क्लास में आपको लिखवा दिया था कि करंट फ्लोइंग सेम सेंस या अपोजिट सेंस, कहीं मतलब वहां पे क्या रिएक्शन कर लोगे, इफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बोथ करंट में डिपेंड करेगा कैसे रखा हुआ है, राइट। सो वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा। सो आपको जब प्लस कब करना है, मींस एल इक्विवेलेंट इन सीरीज विल बी एल वन प्लस एल टू प्लस टू एफ इफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू क्वाइल्स आर इन सेम डायरेक्शन ड्यू टू इट्स ओन करंट एंड करंट ऑफ अनदर कॉइल, राइट। अगर मैग्नेटिक फील्ड और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है L1 प्लस L2 माइनस 2M। अब मतलब जहां जहां करंट हो मैग्नेटिक फील्ड करना ज्यादा क्लियर रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है यहां प्लस होगा, जैसे हमने एनर्जी में भी लिखा तो एनर्जी होगा हाफ L1 I स्क्वायर प्लस हाफ L2 I स्क्वायर प्लस M I1 I2 प्लस कब होगा इफ मैग ये वाला केस इसमें प्लस होगा, कुछ लोगों ने बोला मैं लाइव क्लास में बताया था, बोला कि सर आप बता ही देना एक बार डॉट कन्वेंशन बोर्ड पे, तो बता ही देते हैं। इस लोचा से बचने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक डॉट कन्वेंशन, कॉलेज यूज करते हैं, आपके सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है, ऐसा मान ली कुछ है। अब कुछ रिएक्शन हमने दिखा रहे हैं कौन किस कैसे रखा हुआ है, क्या फ्लो है, कुछ नहीं दिखा है, सिर्फ यहां पे डॉट दे दिया, यहां पे डॉट और करंट ऐसा दे दिया। अब हमको इसका इफेक्ट जब इस पर देखना है, सो इफ करेंट इंटर्स at dot then EMF due to ये potential ही होता है, थोड़ा language then due to mutual induction डॉटेड एंड ऑफ अनदर क्वाइल विल बी एट हायर पोटेंशियल। अब सिंपल देखो, अगर हम इसका इफेक्ट इस पे देखें, यहां पे डॉट पे करंट इन कर रहा है, तो अगर डॉट पे करंट इन कर रहा है मतलब यहां पे इसके कारण यहां पे डॉट पे प्लस होगा, इधर मतलब ये हायर होगा, यहां से पोटेंशियल डिक्रीज करेगा ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। अगर इसका म्यूचुअल इंडक्शन एम है तो अगर इसके कारण यहां पे इफेक्ट देखें, यहां से पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, डॉट लगा प्लस ये माइनस। अब इसका इफेक्ट अगर इस पे देखें, यहां पे डॉट पे अगर इसे करंट है, यहां पे डॉट पे क्या हो रहा है इन कर रहा है, मीन इसके कारण यहां पे ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। ये क्या है साहब, हमने दिखाया म्यूचुअल वाला, एम आई क्लियर। अगर डॉटेड एंड पे करंट एन करता है, बहुत ही आसान है, जैसे फॉर एग्जांपल दो भाई साहब कॉइल दे दिए, अब यहां पे देखो कुछ ऐसा मेरा कुछ नहीं दिखाना पड़ा है, कैसे कॉइल रखा हुआ है, क्या है, कुछ नहीं बोलना पड़ रहा है, हमने बस ऐसा कर दिया और दे दिया यहां पे ये डॉट है ये डॉट है, चलो और बोल दिया करंट ऐसा है। अब इसका इफेक्ट इस पे देखते हैं, अगर इसमें करंट ऐसे जा रहा है सो म्यूचुअल कारण इसका इफेक्ट इस पे क्या होगा, इसका डॉट ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। चलो एक और बनाते हैं और इसी में इसका इफेक्ट कैसे देखेंगे, तो हमको इसमें करंट का डायरेक्शन दिया जाएगा, मान लीजिए हमको दे दिया कि इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इस पे करंट बताओ डॉटेड एंड से एन कर रहा है या छोड़ रहा है, इसमें करंट डॉटेड एंड से लिव कर रहा है, उसमें उल्टा जाता है, मींस यहां पे डॉट माइनस होगा और ये प्लस होगा। ये हम दोनों ये हम क्या दिखा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी इंड्यूस्ड ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, यहां पे डॉट में करंट इन किया तो इसका डॉटेड एंड पॉजिटिव होगा, इसका इफेक्ट इस पे जब देख रहे हैं डॉटेड एंड पॉजिटिव, इसमें डॉट से करंट आउट हो रहा है तो अगर करंट यहां पे इन नहीं कर रहा, अगर लिव कर रहा है, यहां पे इंटर बदला, यहां पे क्या कर रहा है लिव कर रहा है, तो डॉटेड एंड नेगेटिव होगा।
means if current leaves, listen, if current leaves at dot, then due to mutual inductance, dotted end of another coil will be at lower potential. अगर current enter किया dot पे, then due to mutual induction, dotted end will be at higher potential. अगर dot से current leave किया, then due to mutual induction, dotted end will be at lower potential. So यहाँ पे ये end क्या है? इसके कारण यहाँ पे effect क्या होगा? Dotted end minus. जैसे मान लीजिए suppose देखिए, कुछ भी आप बना लो, अब हमको कोई magnetic field, कोई कुछ नहीं देखना है, और आपको हम लोग यही use करते हैं ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज में. वहां बहुत लोच लफड़ा यार, ऐसा बना दिया और बोल गया ऐसे करंट है. अब ऐसे करंट है तो यहां पे डॉट में करंट क्या हो रहा है? ऐसे ऐसे जाएगा, यहां डॉट से करंट इन करेगा, यहां डॉट दे दिया हुआ है. अगर डॉट से करंट यहां से आउट हुआ, सॉरी आउट हुआ, मीन्स ये माइनस होगा और ये प्लस होगा. डॉट से करंट आउट हुआ मीन डॉट एंड नेगेटिव, मीन्स यहां से यहां पोटेंशियल डिक्रीज करेगा ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन. इसका इफेक्ट इस पे देखे हमें क्लियर. सही, डॉट कन्वेंशन है, आपके सिलेबस में नहीं है, अगर दे दिया तो कर लेंगे, आसान है राइट. सो हमको म्यूचुअल करंट पता है और खुद का लिखना आता है कि मूविंग डायरेक्शन अपन पोटेंशियल डिक्रीज, इसमें हमको लिखना पड़ेगा खुद का क्या होगा. यहां से यहां पोटेंशियल, जैसे हम लिखते हैं यहां पे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, लेट्स राइट वी ए माइनस वी ए माइनस. खुद का यहां से पोटेंशियल क्या होगा? इट विल डिक्रीज बाय एल वन डी आई वन बाई डी टी. खुद का पोटेंशियल डिक्रीज करेगा एल वन डी आई बाई डी टी, बिकॉज मूव इन डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीजेज कर दिया. और डॉट के कारण, अरे यहां तो बनाए हुए हैं, इसके कारण इफेक्ट यहां बनाए हुए, यहां से पोटेंशियल बढ़ेगा बढ़ेगा, बिकॉज यहां से यहां बढ़ रहा है. सो प्लस एम डी आई टू बाई डी टी इक्वल टू वी हो गया, वी माइनस वी मिल गया. इसमें लिखो, मान लीजिए पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, देखो वी सी माइनस वी डी, हमने इसका लिखा, इसका लिखते हैं बीसी माइनस बीडी. लिखो वीसी यहां है, खुद करंट पोटेंशियल डिक्रीज करता है डायरेक्शन ऑफ करंट बाय एल डी आई बाई डी टी, सो माइनस एल टू डी आई टू बाई डी टी. नीट वाले बिल्कुल छोड़ देना, एकदम रिक्वायर्ड नहीं है. माइनस एल टू डी आई टू बाई डी टी, यहां से पोटेंशियल डिक्रीज करेगा. ओके, इसका इफेक्ट यहां से पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, ये हम दिखा चुके हैं. डॉटेड डॉट यहां पे देखो, डॉट में करंट इन कर रहा था तो डॉट एंड पॉजिटिव था, यहां से पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है. सो प्लस एम डी आई वन बाई डी टी. कोई डाउट? दैट इक्वल टू वी डी. सो अगर डॉट दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से डायरेक्शन दिखा दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं. अब एग्जाम में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मान लिया ऐसा बना दिया, सिंपली ऐसा बना दिया, दो कॉइल आपको दे दिया, मान इसमें करंट जा रहा है इधर, इसमें करंट जा रहा है इधर, इसका L1 है, इसका L2 है. अब हमको मान लिखना है VA - VB, क्या करेंगे? कुछ प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दिखाया ना, कुछ डॉट दिया है. अगर नहीं कुछ दिया है तो सिंपली मान लो VA - VB will be L1 D I1 by DT plus. अगर सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, अगर मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है तो दोनों को पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कुछ दिया नहीं है तो यहां प्लस माइनस दोनों पॉसिबल है. बट अगर सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, डायरेक्ट आया, सिर्फ एक आंसर मारना है, तो हम क्या मानेंगे? प्लस, बिकॉज प्रैक्टिकली क्वाइल को ऐसे अरेंज किया जाता है कि यहां पर सपोर्ट करे, कि हमको एमएफ बढ़ाना है. हम क्या चाहते हैं? इसका एमएफ जो है, ट्रांसफॉर्मर में क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर में हम इसका चेंज करते हैं, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस कराते हैं. तो हम चाहते हैं हमको यहाँ पे आउटपुट ज्यादा मिले. सो जितना प्रैक्टिकली होता है ना, यहाँ प्लस ही करते हैं. इसीलिए आपको एसएससीआई आईटी पूछा है, कुछ नहीं दिया था, वो ना प्रॉपर डायरेक्शन शो किया है और ना ही कुछ डॉट वगैरह दिया है. अब आंसर क्या देंगे? आंसर तो एक ही होता है, क्वेश्चन था ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, कोई सिंगल आंसर होता तो हमको क्या मानना है? प्लस. So, यहां पे अगर कुछ भी नहीं दिया है, सिंपली अब यहां पे मान लीजिए ये पॉइंट है सी, ये है डी. सो वी सी माइनस वी डी क्या होगा? एल टू डी आई टू बाई डी टी प्लस एम डी आई बाई डी टी, सिंपल. बिना कुछ सोचे प्लस कर देना है. इसमें अगर एनर्जी पूछता है, एनर्जी डेवलप, सिंपल प्लस करते. अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, अब आपको इसे तो लिखना ही था, सिंपल फॉर्मूला लगा दो एग्जाम में करने के लिए. अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, प्लस कर दो.
कोई डाउट? सो अगर आपको प्रॉपर दिया है साइन और सब कुछ दिखाया हुआ है डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं, आपको हम दिखाने लिखना सिखा दिए हैं। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है, ठीक है। अगर सिंपली ऐसे बना दिया दिस दिस, तो आपको क्या मान लेना है कि इसका एल इक्विवेलेंट क्या होगा, एल वन एल टू माइनस एम स्क्वायर बाय एल वन प्लस एल टू प्लस टू एम मान लेना है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो। अगर प्रॉपर डायरेक्शन दिया है, अगर मैग्नेटिक फील्ड दोनों कारण इसका खुद के कारण और इसका इफेक्ट इसमें सेम में है तो प्लस होगा यहां पे। अगर खुद के कारण और इसका इफेक्ट यहां पे अगर सेम डायरेक्शन में है तो यहां पे मतलब दोनों से को सपोर्ट कर रहा है, राइट, एनर्जी यहां पे प्लस हो जाएगा। अगर इसका खुद के कारण और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, एनर्जी में माइनस हो जाएगा। एम आई क्लियर? ओके, सो अब ज्यादा लफड़ा नहीं है, बहुत टाइम ले लिया इस पे, होपफुली आप क्लियर हो गए। मैं बार बार बोल रहा हूं, बस आप फॉर्मूला याद कर लेना, डायरेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये समझ लेना कि कब प्लस माइनस करना है, आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग एलआर सर्किट कर रहे हैं, ठीक है। उसने चार्जिंग चार्जर को दिखाया था, उस पर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन है, फाइंड करंट थ्रू इंडक्टर दिस आई, फाइंड आई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फटाफट फाइंड करंट थ्रू इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन ए, फाइंड करंट थ्रू इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फटाफट फटाफट। सब ये कर लो, यू हैव टू फाइंड करंट थ्रू इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फटाफट फटाफट जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, ठीक से। हो गया, चलो अब मैं करता हूं। क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले हम बोले थे I इक्वल टू, यहां पे तो इनिशियल एक्टी इक्वल टू, स्विच को क्लोज किया है, सो एक्टी इक्वल टू जीरो, करंट इज जीरो। सो छोटा करंट जीरो, चार्जिंग सर्किट है तो हमको पता है I इक्वल टू होता है छोटा प्लस बड़ा माइनस छोटा, बस हम जनरली यही यूज करेंगे। सो I इनिशियल यहां पे जीरो है, I फाइनल means when it gets fully charged wave like conductor, so यहां पे बस sort कर देना है, sort कर दिए। जब यहां पे sort कर दिए, so अब यहां पे
आर इक्विवेलेंट मतलब आर की मैक्सिमम यहां पे करंट क्या होगा, ये करंट क्या होगा बोलो, 4 2 6 6 3 2 2 2 4, ये 10 एम्पियर, ये 10 यहां से भी 10 ही फ्लो करेगा, अल्टीमेटली 10 ही निकलेगा, राइट। सो दिस 10 माइनस 0 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस t बाय τ, नाउ फाइंड m इज टू फाइंड टाइम कांस्टेंट इज l बाय r। सो हमें r इक्विवेलेंट निकालना है, इसलिए क्या करेंगे, बैटरी को शॉर्ट करेंगे और इसके अक्रॉस r इक्विवेलेंट निकालेंगे। सो अगर बैटरी को शॉर्ट करो, ये 4 टू 6 3 2 तो है, ये क्या हो जाएगा 2 टू 4, अगर हम इसके अक्रॉस निकालेंगे, सो ये क्या है सीरीज में है, तो ये 4 टू 6 6 3 2, ये 2 और 2 क्या है सीरीज में, कोई दिक्कत नहीं। सो इट विल बी 4 ओम, सो आर इक्विवेलेंट 4 8 बाय 4 इट्स अ 2 सेकंड, सो आई विल बी इक्वल टू 10 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाय 2, दिस मच एम्पीयर। कुछ भी नहीं है, कोई डाउट है क्या, नहीं पक्का, ओके आगे बढ़ें, और क्वेश्चन करवाएं क्या, चलो एक और करवा देते हैं आपको, वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस। एक मिनट बस, या ना इट्स ओके, कुछ मान लेते हैं ये, आप लोग कल जब मेरे साथ, हमको लगता है ओके ना, क्वेश्चन इज फाइन करेंट थ्रू इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्वेश्चन क्या है, फाइंड करेंट थ्रू इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फटाफट फटाफट कीजिए, फटाफट फटाफट मैं भी कर रहा हूं आप भी कीजिए, फाइंड करेंट थ्रू इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जल्दी करो, करेंट थ्रू इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड करेंट थ्रू इंडक्टर फंक्शन ऑफ टाइम,
यू हैव टू फाइंड करंट थ्रू इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फटाफट कीजिए, फटाफट कीजिए। हो गया, ओके। सो अगेन इससे करंट जीरो है तो सिंपल होगा, इट विल बी आई फाइनल वन माइनस सस्पेंशन माइनस टी बाय टू, चार्जिंग सर्किट है। सो हमको निकालना है व्हाट विल बी करंट एट स्टेडी स्टेट व्हेन इट बिकम्स कंडक्टर। व्हाट इज आर इक्विवेलेंट, सिंपल 12 6 4 4 2 6 6 3 2 और ये 2 2 1 3 14 45 by 3 15 एम्पियर। मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं किया है ना? लग नहीं रहा है, कर दिया तो आप जानो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सो अगर 15 एम्पियर है, ये दोनों पैरेलल में है, जो इसको हमने शॉर्ट किया हुआ है, दोनों पैरेलल है, सो करंट इक्वल डिवाइड होगा। सो मैक्सिमम करंट थ्रू इंडक्टर इज 7.5 एम्पियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सो हमें पता है कि आई विल बी इक्वल टू आई नोट वन में सस्पेंशन माइनस टी बाय टो, हमें आई नोट निकालना है, निकाल लिया। अब बस टो निकालना है, काम बन जाएगा। एंड टो इज एल बाय आर, सो यहाँ पे एल हमें पता है 15 हेनरी, आर मीन्स यू हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस इंडक्टर। इसको शॉर्ट कर देते हैं, बैटरी को शॉर्ट करके हमें इंडक्टर के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। 12 6 4 4 2 6 6 3 2, अब ये 2 है पूरा, अब इसको शॉर्ट किए तो ये 2 एंड 2 पैरेलल, ये बच गया 1 1 प्लस 2 3। इतना आपको बेसिक आर इक्विवेलेंट निकालना आता है। सो आर इक्विवेलेंट 3 ओम, सो टो इज एल बाय आर, 15 बाय आर मींस 15 बाय 3 5 सेकंड निकल गया। बस वैल्यू पुट करना 7.5 × (exp-t/5), दैट्स इट। पूरे क्लास नहीं करते रहेंगे, टाइम पास नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखिए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। अब हमने आपको जब स्टार्टिंग में ही, जब जहां से मोशन ऑफ स्टार्ट किया था, आपको याद होगा, हमने बोला अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इफ देयर इज चेंज इन फ्लक्स देयर विल बी इंड्यूस करंट। अब फ्लक्स को कैसे चेंज कर सकते हैं? फ्लक्स कैन बी चेंज्ड फर्स्ट बाय मूविंग द कंडक्टर। हम लूप को, कंडक्टिंग लूप, इसको हम मूव कर रहे हैं तो एरिया चेंज किया। फ्लक्स में क्या क्या है? बी ए कॉस थीटा। अब या तो ये चेंज करें या ये चेंज करें या ये चेंज करें। एरिया चेंज करेंगे उसे मूव करना पड़ेगा, फिर चेंज करेंगे रोटेट करना पड़ेगा। सो ये दोनों जब चेंज करेंगे आइदर ए या एंगल, हम कंडक्टर को रोटेट कर रहे हैं, तो उस केस में हमें पता है उसको मूव करेंगे there will be induced EMF due to motion of conductor that is called motional EMF. इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। सेकंड क्या हो सकता है? बी को चेंज करें बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। एंड थर्ड है बाय चेंजिंग बोथ, बाय चेंजिंग मीन्स इफेक्ट ऑफ बोथ ए एंड बी। Means, हम मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज कर रहे हैं, मूव भी कर रहे हैं। सो आपको ध्यान रखना है, जब मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज कर रहे हैं, मूव भी कर रहे हैं, सिर्फ मोशनल एमएफ जो होगा वो इंड्यूस्ड एमएफ नहीं होगा, दोनों का इफेक्ट आएगा। लोग गलती करते हैं कि एक फील्ड है बी नॉट टी स्क्वायर, इसमें हम एक कंडक्टर को मूव कर रहे हैं कुछ वेलोसिटी से। अब लोग पूछेंगे फाइंड इंड्यूस्ड एमएफ टाइम टी, कर देंगे वीवीएल। नहीं भाई, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे VBL करने से काम नहीं चलेगा, इसका भी इफेक्ट आएगा। सो बेटर इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू यूज फैराडे लॉ, जस्ट फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है, सिर्फ VBL से मत कर देना, गलती हो जाएगी। क्लियर? टेस्ट मिल जाएगा, परेशान ना हो। ओके, सो यहाँ पे इसकी हम बात करते हैं। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं, चलो मैग्नेटिक एक ये है, एक कंडक्टिंग लूप है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं बी नॉट टी स्क्वायर। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज किए तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ
देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसमें कहीं कोई कंसर्न है, करंट फ्लो करेगा और इस केस में इस फील्ड को घटा जाएगा, मींस ऐसे इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा, राइट। वो चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड को घटाना, फिर जो करंट उल्टा फ्लो करेगा, ओके, नो प्रॉब्लम। अभी करंट क्यों फ्लो किया, जब करंट फ्लो किया मींस इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन तो अब नहीं है। कंडक्टर में यदि इलेक्ट्रॉन का मोशन रैंडम होता तो करंट फ्लो नहीं करता। अब इलेक्ट्रॉन का किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स लगा होगा, वो फोर्स कौन लगाया, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं। रैंडम मोशन अगर इलेक्ट्रॉन का था, हमने कोई अगर हम कंडक्टर को मूव नहीं किया, कंडक्टर वहां पे रेस्ट में रखा हुआ है, और पता है कि अगर एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ देते हैं, सिंपली कंडक्टर को हमने रख दिया, इस पे टोटल मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता, आपको हम बता चुके हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर में। इलेक्ट्रॉन का मोशन रैंडम है तो सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, बट उसका एवरेज फोर्स क्या है, जीरो। तो मैग्नेटिक फोर्स तो है नहीं, कौन फोर्स पिक्चर में आया जो यहां पे लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी नहीं है, तो बेसिकली कौन फोर्स है भाई जो यहां पे इस इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकुलर पाथ दे रहा है, नाउ हैव इंड्यूस्ड करंट, सो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। सो अगर वायर रेस्ट में है तो यहां पे मैग्नेटिक फोर्स तो लग नहीं सकता है, तो फोर्स कुछ इलेक्ट्रिक टाइप का होगा, तो हमने टू एक्सप्लेन दिस वी हैव डिफाइंड न्यू टाइप ऑफ फील्ड दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। टू एक्सप्लेन दिस कि व्हाई दिस करंट इज फ्लोइंग, व्हाई यहां पे इसके कारण कौन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, सो देयर मस्ट बी सम फोर्स इन्वॉल्व एंड दैट फोर्स इज इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड दैट कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो नहीं है, कोई चार्ज कहां है भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, सो इसको हमने नया नाम क्या दिया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस फेनोमेनन मींस फ्लो ऑफ करंट cause of induced current in this case was explained by explained using induced electric field. So एक नया type का field define किया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उससे अलग है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है, इसकी कुछ अलग प्रॉपर्टी हम डिफाइन करेंगे। सो इट्स इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सो इसके जाने से पहले हम सिंपल लिखते हैं, हम दो लाइन लिखेंगे, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब एक ही पॉइंट पे टाइम का मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सब मैक्सवेल ने बाद में पूरा एक्सप्लेन किया, एंड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको सिलेबस में पढ़ना था, ये मैं उसमें, बट इस साल सिलेबस से हट गया है कि कैप्चर को हम चार्ज कर रहे हैं तो कैप्चर के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार चेंज करेगा, इन दैट केस देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन कैपेसिटर और होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। हम इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, हम उसकी जहां पे चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, वो एक क्लब चैप्टर था, ये मैथ उसके अंदर है। अब लिखते हैं अ चार्ज एट रेस्ट, अ चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। मैं सब कुछ यहां पर समराइज कर रहा हूं जो इस तरह का आया है हमारे पास, बट अ चार्ज इन मोशन प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये हम पढ़ चुके हैं सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट, कि अगर चार्ज मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें, अ मैग्नेट एट रेस्ट
produces only magnetic field. But a magnet in motion produces both इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. यहां पे इलेक्ट्रिक कौन सा होगा? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. लिख लेना नीचे, दिख रहा है क्या? ये तो आप लिख, मैं लिखवा रहा हूं, आप लिख लो. अ मैग्नेट इन मोशन प्रोड्यूसेस बोथ मैग्नेटिक एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. वो दोनों प्रोड्यूस करते हैं. आपको सिंपल है, अगर मैग्नेट को मूव करेंगे किसी पॉइंट पर, टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है. अगर हमने एक मैग्नेट को मूव किया, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसको इधर मूव कर रहा है, तो इसे अभी मान लीजिए इसी पॉइंट पे आते हैं, तो अभी यहां पे इसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रेंथ होगा. बट जैसे जैसे मैग्नेट पास आएगा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ते रहेगा, राइट? इसी पॉइंट पे जैसे जैसे मैग्नेट पास आएगा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा. मींस इस पॉइंट पे टाइम वेरी मैग्नेटिक फील्ड है, सो देयर विल बी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. ये सब कारण तो था. इसके सामने अगर हम एक लूप रख देते हैं, इससे करंट क्यों फ्लो कर रहा था यार? बिकॉज यहाँ पे तो इसको मोशन नहीं दिए, बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज कर रहा है, दैट्स व्हाई दे आर इंड्यूस करंट. सो अ मैग्नेट इन मोशन प्रोड्यूसेस बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो अभी तक हमने बस इतना देखा कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. अब कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक. सबसे पहला जो लिखेंगे, जो कंफ्यूजन होता है, इट इज डिफरेंट, इट्स डिफरेंट देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. ये अलग चीज है भाई, वो नहीं है जो आप पढ़े हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. सो वहां वाला कॉन्सेप्ट यहां मत यूज करने की कोशिश करना, ठीक है? इसका जो प्रॉपर्टी लिखा रहे हो बस वो समझना है. इट इज नॉन कंजर्वेटिव फील्ड. Why नॉन कंजर्वेटिव फील्ड? बिकॉज हमने देखा था कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन ऑन अ लूप शुड बी जीरो. अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, सो ई इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट डीएल ऑन क्लोज लूप क्या होगा? जीरो, बिकॉज डेल्टा वी जीरो है, वहां पर हम लोग पोटेंशियल डिफाइन करते हैं. बट इस केस में ई इंड्यूस्ड डॉट डीएल इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, इट्स इंड्यूस्ड ईएमएफ. So, जीरो नहीं है, यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है. हमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया तो इस लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो करंट फ्लो कर रहा है. सो यहां पे जीरो नहीं है. सो फील्ड क्या है? नॉन कंजर्वेटिव. फील्ड नॉन कंजर्वेटिव है, सो वी डोंट डिफाइन पोटेंशियल कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस. वी डोंट डिफाइन पोटेंशियल, यहां पर पोटेंशियल की बात नहीं करें, बिकॉज दिस फील्ड नॉन कंजर्वेटिव, राइट? इट फॉलोज एफ इक्वल टू क्यू डी. मैं आपको बता दे रहा हूं, जो हमने यहां पे देखा क्या क्या इसको प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग सिंपल जो यहां लिख रहे हैं बस उसी को यूज करेंगे. एफ इक्वल टू क्यू ई रूल, जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा, यहां भी अप्लाई कर सकते हैं. एफ इक्वल कुछ कुछ है सिमेट्रिक, तभी तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं. अगर बिल्कुल अलग होता इलेक्ट्रिक या कुछ नाम देते, एक्स फील्ड, राइट? सो इट फॉलोज एफ इक्वल टू क्यू ई रूल. इट ऑलवेज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर क्लोज लूप एंड इफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट इन सिलिंड्रिकल रीजन देन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर, देन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर.
अब देखो हमने बोला इट ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, हमेशा क्लोज लूप में होगा, और हमें जो सिलेबस में पढ़ना है ना आपको हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड देगा, मुझे दिख नहीं रहा है ना, हम क्या लिखे यहां पे, इफ मैग्नेटिक फील्ड सिलिंड्रिकल इज देन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर। So, हमें जो सिलेबस में पढ़ना है हमेशा आपको देगा मैग्नेटिक फील्ड से सिलिंड्रिकल जर्नल प्रेजेंट है, तो आपको जो दिमाग में लाना है हमेशा आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, सर्कुलर ही होगा। ओके, अब सर्कुलर तो है, उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? सो हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, हाउ टू फाइंड, फिर मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, पहले डायरेक्शन की बात करते हैं, हम अच्छे डायरेक्शन पहले निकालते हैं, मैग्नीट्यूड बाद में निकालते हैं, राइट। सो हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, हमारे पास हमको उसके दिया हुआ मैग्नेटिक फील्ड, हमको सिलिंड्रिकल जर्नल पढ़ना है, माना मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, एक सिलिंड्रिकल जर्नल आपको दिया हुआ है, उस सिलिंड्रिकल जर्नल का एक्सिस ये पॉइंट ओ है और उसका रेडियस कुछ आर है, मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट इन सिलिंड्रिकल जर्नल ऑफ रेडियस आर एंड एक्सिस ऑफ द रीजन इज पासिंग थ्रू पॉइंट ओ, इस ओ से हम उसको बोलते हैं सेंटर हम बोल रहे हैं, इससे एक्सिस पास कर रहे हैं, उसका ये बना रहे हैं टॉप व्यू। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे प्रेजेंट है सिलिंड्रिकल रीजन में, तो अगर वो सामने से देख रहे हैं, ओके। अब हमें किसी पॉइंट पे निकालना इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लें पॉइंट पी पे निकालना है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन निकालना है, तो सिंपल तरीका है टेकिंग सेंटर ऑफ दिस रीजन, हम ओ को बोले सेंटर से एक्सिस पास कर रहा है, टेकिंग सेंटर ऑफ दिस रीजन ड्रॉ अ लूप पासिंग थ्रू पॉइंट पी, जिस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालना है उस पॉइंट से पास करता हो एक लूप ड्रॉ कर लो, ठीक है। सो टू फाइंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, draw a loop passing through that point taking center of region containing magnetic field एज सेंटर ऑफ लूप, देन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एट एनी पॉइंट ऑफ लूप will be same as direction of induced electric field at that point. Writing बहुत गंदा है, मैं आपको सब कुछ बोलता हुआ लिखा हूं, आप सब कुछ खुद से लिख सकते हो, मैं लिखा हूं ताकि आप इतने टाइम में आप भी लिख लो, मैं समझ सकता हूं कि आप लोग भी अब नोट कर लियोगे। अब हमको पॉइंट पी पे निकालना था डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने क्या किया पॉइंट पी से पास करता हुआ एक लूप ड्रॉ कर लिया। अब बताओ अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है बी इक्वल टू बी नॉट टी स्क्वायर, आपको हम दे दिया मैग्नेटिक फील्ड है, सो इस लूप में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर 1200 घटना चाहेगा, मीन्स ये होगा,
अब हमको जब इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकल गया तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ करंट जो है, मतलब इसका टेंजेंट जो होगा, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, मीन्स यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, सिंपल। सो उस पॉइंट पे जो करंट का डायरेक्शन है वही इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो सिंपल, बहुत ही आसान है, एक लूप ड्रॉ करो, उस पर टेंजेंट जो होगा डायरेक्शन ऑफ करंट देख लो, और टेंजेंट विल गिव यू आल्सो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब जैसे मान लीजिए ऐसा कर दिया, मान लीजिए वे बड़ी जन कंटेनिंग मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा ठीक है, चलो फिर से B इक्वल टू बी नोट टी है, और हमें इस पॉइंट P पे निकालना है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट P पे निकालना है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है OP, मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड, और B क्या है, बी नोट टी। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, B this, C this, D this, E this। उस पॉइंट पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, कर दी गलती, ऐसे बहुत लोग जीरो कर देते हैं, अरे वो पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है सो वहां पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अच्छा चलो, हमने आपको जो बताया वो करो, आप पहले इस पॉइंट से पास करता हुआ एक लूप बना लो। आप मुझे ये बताओ इस लूप में करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, इस लूप में करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा यार, इस लूप के अंदर ये फील्ड है, फील्ड चेंज कर रहा है, बताओ फ्लक्स थ्रू ये जो लार्जर लूप है इसके थ्रू फ्लक्स चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस लूप के अंदर इस मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, मीन मैग्नेटिक फ्लक्स इस लूप इज चेंजिंग, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है इसमें इंड्यूस करंट होगा, कैसा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में तो घटाना चाहेगा, मीन्स वो इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अंदर, मीन्स इसमें ऐसा करंट फ्लो करेगा लाइक दिस, तभी से करंट फील्ड ऐसा, ये तभी से करंट फील्ड लाइक मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, इसको बाहर वाले फील्ड को घटा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड करेगा अंदर ही आपको आता है यार डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, राइट। अब जब इसका करंट फ्लो करेगा तो यहां पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं आपको स्टार्टिंग से किया था, इट वाज डिफाइंड टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ इंडक्शन, अगर यहां पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो करंट कैसे फ्लो करता, सो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, सो ये आंसर होगा। एम आई क्लियर, इसमें किसी को डाउट है, तो दो चीज, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फ्लो जरूरी नहीं है, सेकेंड थिंग वहां पे लूप जरूरी नहीं है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्रेजेंट है, वहां पे लूप रखेंगे तो करंट फ्लो शुरू हो जाएगा, लूप नहीं है तब भी वहां फील्ड है, अभी यहां पे फील्ड है। अब मान लो यहां पे इलेक्ट्रॉन रख दिया, उस पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, और हमने यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, अगर हमने यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रख दिया उस इलेक्ट्रॉन पे किधर लगेगा फोर्स, ऑप्शन ए इधर, ऑप्शन बी इधर, ऑप्शन सी इधर, ऑप्शन डी इधर, एंड ऑप्शन ई जीरो। हमने इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, What will be direction of electric force experienced by electron? A, B, C, D, E. हो गया, कुछ भी नहीं है, हम क्या करेंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन पे कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, और हमको पता है कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो फॉलोज एफ इक्वल टू क्यू ई रूल, सो एफ ई विल बी इक्वल टू ई ई विथ माइनस साइन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। चलो हमको पहले यहां पर लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, सो हम इस पॉइंट से पास करता हुआ एक लूप ड्रॉ कर दिया, सो हमने एक लूप ड्रॉ कर दिया, अब इस लूप में करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसा, सो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है
बट करंट यहाँ पे लुक का डायरेक्शन करंट ये है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है बट इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, बी की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक लॉ जरूरी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है यहाँ नहीं है तब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्रेजेंट है अगर वहां पे हम लुक रखेंगे तो उसमें करंट फ्लो होता है, कोई दिक्कत नहीं? ओके, सो नेक्स्ट। सो हमने अभी निकाल लिया डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आते हैं मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज मैग्नीट्यूड। तो सिंपल, हमने आपको बोला E डॉट dl विल बी इंड्यूस्ड EMF एंड अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इज माइनस डी फाई बाई डीटी, तो माइनस साइन ओनली फॉर डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड हमें इंटरेस्टेड है, माइनस साइन किसके लिए है, डायरेक्शन के लिए, क्या अपोज करता है पॉज को, क्या आपको पता है। सो विल राइट ई डॉट dl विल बी इक्वल टू माइनस, चलो देखो एक और स्टेप देखते हैं, बी इंटू ए, ठीक है, या मान है बी ओ एम एंगल जितना केस होगा वो बी ओ एम एंगल जीरो ही रहेगा, हम वही केस ले रहे हैं। सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए डी बी बाई डी टी, ए डी बी बाई डी टी, राइट, ओके। सो बस इसको यूज करेंगे, हमें हर जगह का वैल्यू निकल जाएगा, आपको हम एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। सो वी आर इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड, सो मैग्नीट्यूड ऑफ इसमें अब क्या होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी ए डी बी बाई डी टी, हम इसी में इंटरेस्टेड हैं, माइनस साइन फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं, राइट, छाप लो, इस पे क्वेश्चन करते हैं। एक सिंपल हम लेते हैं कि हमारे पास ये रीजन है, सिलिंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस आर, इन रीजन देयर इज टाइम वेरी मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू बी नॉट टी स्क्वायर, हमें निकालना किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहां पे दो केस लेते हैं, फर्स्ट लेते हैं पॉइंट पी अंदर है एंड दिस आर इज लेस देन इक्वल टू अंदर के पॉइंट निकालना है। सो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डायरेक्शन कैसा होगा, हम इस पॉइंट से पास करते हैं लूप बना लिए टेकिंग ओ एज अ सेंटर, सो हर पॉइंट पे ई टेंजेंशियल होगा और यहां पे इस तरह से ऊपर डायरेक्शन, राइट, कोई दिक्कत नहीं? अरे ये फील्ड अंदर तरफ बढ़ा तो घटना जाएगा ना बाहर तरफ देगा, राइट, ओके। सो नाउ विल राइट सिमेट्री से, बताओ हर जगह इनका वैल्यू सेम या अलग अलग, सिमेट्री क्या बोलता है, सिमेट्री है, सो वी कैन राइट ई डॉट डी एल ऑन दिस लूप, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हमसे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द लूप इन टू डी बी बाई डी टी, ये स्टेप छोड़ देते हैं, हमसे देखते हैं E dot dl क्या होगा, बोलो एक बार लिख लेते हैं, चलो माइनस ए डी बाई डी, ओके। अब मैग्नीट्यूड लिखेंगे क्या होगा, E into 2 pi r, क्या आएगा E into 2 pi r, that will be equal to area pi r square d by dt of b naught t square, डिवाइडेड बी नॉट टी स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ओके, ठीक है, देखो कोई डाउट है किसी को? ओके, कोई दिक्कत? अरे भाई यहां पे दिखा रहा है अगर हम ई के डायरेक्शन में जाएंगे डीआर की तरह पोटेंशियल डिक्रीज करने से यहां माइनस है, कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड यहां बात कर रहे हैं। सो पैसा ना आपको हमेशा यही यूज करना है। सो यहां से
एच की कॉन्शियस ले बाहर आ गया, सो पाई बाई कैंसर, सो आया ई इंटू टू आर इक्वल टू आर स्क्वायर टू बी नॉट टी, वन आर वर्ड कैंसल, सो ई इक्वल टू टू भी कैंसिल हो गया बी नॉट टी आर, राइट। सो हमने यहां पे एरिया पूरे लुक का लिया, क्योंकि इस पूरे लुक में हर जगह मैट्रिक्स फ्लक्स, हमको जब फ्लक्स निकालना पड़ेगा कौन सा एरिया लेंगे, इस लुक का एरिया। अब मान लिए आर उससे बड़ा हो, बाहर का पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट पे निकालना है, तो हम इस पॉइंट से पास करता हूं एक लूप बनाएंगे, फिर से ई इधर है, तो फिर से लिखेंगे इसके लिए ई इंटू टू पाई स्मॉल आर। अब बताओ एरिया क्या लेंगे, पाई स्मॉल स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। अरे भाई मैग्नेटिक फील्ड से किसके अंदर, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो फ्लक्स कितने एरिया में है, सिर्फ पाई कैपिटल आर स्क्वायर में, बाहर फील्ड नहीं है, तो जब फ्लक्स निकालेंगे क्या करेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ बी नॉट टी स्क्वायर, सो दैट इज कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज दिस पाई आर स्क्वायर टू बी नॉट टी, सो टू पाई गॉट कैंसल्ड, we can write e equal to b naught t r square by r। बहुत आसान है e का मैग्नीट्यूड निकालना, अगर ग्राफ यहाँ पे बनाए किस केस में, सो e देखो पहले नियरली इंक्रीज कर रहा है और फिर ऐसा वन बाय आर, किसी पार्ट टू टाइम पे हम ग्राफ बनाए, गुड आउट नहीं पक्का, तब किसी पॉइंट पे ई का वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। सो हम क्वेश्चन करते हैं इस पे, चल एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से जो वी हैव अ सिलिंड्रिकल जम कंटेनिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रेडियस आर, जैसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैं अब हर जगह पूरा ऐसे लिख के दिखा दिया, ओके। अब हमने एक स्क्वायर बना दिया, इसके अंदर स्क्वायर का सेंटर भी ओ है, हमने ओ को सेंटर मानकर स्क्वायर बना दिया, ठीक है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, मानते हैं कि इसका कुछ ए है, साइड ए है, स्क्वायर का साइड ए है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ई इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन, ई सी इक्वल टू ई डी, ए बी सी डी, सेकेंड ऑप्शन ई इक्वल टू ई बी इक्वल टू ई सी इक्वल टू ई डी एंड सी नन, क्या हुआ आंसर, हो गया। हमको जब डायरेक्शन निकालना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसको सेंटर मानता हुआ एक लूप बनाएंगे, वो इससे पास करेगा इसे। सो यहां पे फील्ड, चूंकि यहां पे करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट कैसे फ्लो करेगा, मैग्नेट अंदर बढ़ रहा है तो घटाना चाहेगा, मीन्स ऐसे करंट फ्लो करेगा, यहां पे फील्ड इधर है, यहां पे फील्ड का डायरेक्शन इधर है, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यहां पे इधर है, सो फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग, इसलिए तो गया। मैग्नीट्यूड अभी निकाले इस केस में E इक्वल टू बी नॉट टी आर था, अभी अभी यही केस लिया था। सो अब बताओ इसका आर यहां पे क्या था, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम दिस सेंटर, सेंटर ऑफ द रीजन, इसके सेंटर से, सो इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस सब तो सेम है, सो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सो मैग्नीट्यूड सेम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड दिस मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड, लेट्स अज्यूम एफ, देन फाइंड ई ए बाई एफ, ये क्वेश्चन है, फाइंड ई ए बाई एफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एफ, फाइंड ई ए बाई एफ ऑप्शन ए रूट टू, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी वन बाई रूट टू, ऑप्शन डी नोटा। You have to find initial electric field at point A divided by field at point F. फटाफट फटाफट
हो गया। सो सिंपली इज बी नॉट टी आर, सो ए इक्वल टू क्या होगा, बी नॉट टी आर मीन्स रूट टू ए का हाफ, ए बाय रूट टू, एंड ई एफ इक्वल टू बी नॉट टी ए बाय टू, मेरे पूरा ए थी क्या होगा ए बाय टू, सो ए बाय ई एफ क्या होगा रूट टू। एम आई क्लियर, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सो ये आप निकाल सकते हो, थोड़ा और अच्छा करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, लेट्स एज्यूम वी हैव नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस ए हैविंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज प्लस, इस पे चार्ज क्यों है, देयर इज टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन ऑफ रेडियस आर, इस रीजन में टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है B इक्वल टू बी नॉट टी स्क्वायर, B इक्वल टू बी नॉट टी स्क्वायर, ये ठीक है। मास ऑफ रिंग इज M, इज केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, समझो मान लिया टेबल है, उस टेबल के ऊपर रिंग रखा हुआ है और वहां पे एक सिलिंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है B इक्वल टू बी नॉट टी स्क्वायर, इस रिंग का रेडियस है उस पे चार्ज क्यों है, देन क्वेश्चन इज फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रिंग एट एनी टाइम टी, फटाफट फाइंड एंगुलेशन ऑफ रिंग एट एनी टाइम टी, फटाफट करो मैं ही कर रहा हूं। Find angular action of ring at any time t. You have to find angular action of ring at any time t. फटाफट कीजिए angular action of ring at any time t. हो गया क्या? ओके मैं करता हूं। अरे यार घूमेगा ही क्यों भाई, ये क्यों घूमेगा, हमने एक रिंग को टाइम है मैग्नेटिक फील्ड रखा तो रोटेट क्यों करेगा, गुड उसने बोला कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कि जैक्सन में, अभी हम लोग देखे हैं कि ऐसे करंट फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है उसको घटाना चाहेगा, हम सही कर रहे हैं ना, ऐसे होगा मीन्स यहां पे हर पॉइंट पे एक टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। अगर इसका टेंजेंशियल फील्ड है तो इस फोर्स को यह फोर्स कैंसिल कर देगा, मतलब डायरेक्टली कोई पॉइंट से फोर्स, नेट फोर्स इस रिंग पे जीरो है, बट उसका एक टॉर्क है बिकॉज फोर्स सब एक ही सेंस में ऐसे लग रहा है, उसका एक टॉर्क होगा राइट, सो टॉर्क है तो ये रिंग घूमेगा किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, बिकॉज इफ अ बॉडी फ्री टू रोटेट इट्स व्हाट एफ अदर से पास टू सेंटर ऑफ मास इन दैट्स नॉट टॉर्क, तो टॉर्क कैसा होगा बाहर की तरफ, सो रिंग इस एफ से और घूमेगा इस तरह से लाइक दिस, ऐसे रिंग घूमेगा लाइक दिस 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 और सेंटर ऑफ मास, ओके इसलिए रोटेट करेगा। अब जब रोटेट करेगा हमें निकालना है अल्फा, इसमें पहले टॉर्क निकालते हैं, फिर टॉर्क क्या होगा, टॉर्क 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 क्या होगा, तो इस पे फोर्स जो होगा किसी स्मॉल सेक्शन पे वो डीएफ क्या होगा, वहां पे चार्ज डीक्यू इनटू ई, सो डीक्यू और वहां पे ई होगा बी नॉट टी, जो कि अंदर का पॉइंट है तो बी नॉट टी आर था सेम हमने लिया इसलिए कोई दिक्कत नहीं है,
हमने आपको सेम फील्ड से लिया है, वो बिनोट टी आ रहा है इसलिए बिनोट टी ए, कोई दिक्कत नहीं, ओके। सो डीएफ निकल गया। अब इस सारे फोर्स, इस सारे डीएफ का टॉर्क का डायरेक्शन सेम बाहर की तरफ, सो पहले डीटा लिखते हैं, डीटा इक्वल टू डीएफ इन रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ए, बिकॉज ये फोर्स टेंजेंशियल है, डिस्टेंस ये रेडियस ए के परपेंडिकुलर है, सो डीटा इक्वल टू डी क्यू बी नॉट टी ए स्क्वायर, सो टॉर्क सिंपली ऐड होगा, हमने डायरेक्ट सिंपली ऐड कर दिया, इंडिकेट कर दिया, बिकॉज सारे फोर्स का टॉर्क का डायरेक्शन आउटवर्ड ही है, इतना आपको आ गया होगा, सो इट इज बी नॉट टी ए स्क्वायर इंडिकेशन ऑफ डी क्यू, सो टॉर्क इज क्यू बी नॉट टी ए स्क्वायर। नाउ वी नो टॉर्क विल बी इक्वल टू आई अल्फा, टोटल अबाउट एक्सपेंशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, so I alpha is equal to m a square alpha, so a square got cancelled, so alpha is q b not t। अब इसमें क्या पूछ सकता है, आपको फोर्थ पूछ देगा फाइन ओमेगा आफ्टर टाइम डी, तो इसे डी ओमेगा बाय डी टी अभी डिवाइड कर लो, क्या इस क्वेश्चन में इंटीग्रेट करो ओमेगा निकल जाएगा, q b not t square by 2 में ही आ रहा है ना एट टाइम डी, बिकॉज इसलिए रेस्ट में था, थोड़ा अच्छा करता क्वेश्चन क्या करेगा, थोड़ा अगर और अच्छा करेगा तो कर देगा, सबसे स्मूथ नहीं है ये जो क्वेश्चन फिक्शन न्यू, देन क्वेश्चन इज फाइंड टाइम व्हेन दिस रिंग स्टार्ट्स रोटेटिंग, फाइंड टाइम व्हेन रिंग स्टार्ट्स रोटेटिंग, फाइंड टाइम व्हेन दिस रिंग स्टार्ट्स रोटेटिंग। अब सरफेस स्मूथ नहीं है, देखो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस रिंग एंड टेबल लेट्स सेट इट म्यू, यू हैव टू फाइंड टाइम व्हेन दिस रिंग स्टार्ट्स रोटेटिंग, ऑप्शन ए। You have to find time when this ring starts rotating. हो गया? अब समझो ये इंडस इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऐसे घुमाना चाह रहा है, अब फ्रिक्शन चाहेगा खुश रहना, वो चाहेगा इसको घूमने ना दे, तो फ्रिक्शन यहां पे टॉर्क लगाएगा इन दिस डायरेक्शन, इसी टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, इसी टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चाह रहा है घुमाना इस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, बट फ्रिक्शन चाहेगा नहीं इसको हम घूमने नहीं दे, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ओके। सो इनिशियली ये टॉर्क कम है, क्यों, अभी आपको निकाल दिया टॉर्क क्या आया था, अभी निकाल देते हैं, पिछले क्वेश्चन में निकाले मेरा टॉर्क आया था बी नॉट टी क्यू बी नॉट टी ए स्क्वायर, राइट, यह था ना, सो इनिशियली ये टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एट टी इक्वल टू ये टॉर्क जीरो है, फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो होगा, फ्रिक्शन थोड़े घुमाते रहेगा, जैसे जैसे ये टॉर्क बढ़ेगा फ्रिक्शन का टॉर्क बढ़ेगा, और फ्रिक्शन का एक फिक्स औकात है, उससे ज्यादा वो अपना टॉर्क बढ़ा नहीं सकता है, सो रिंग विल रोटेट इफ टॉर्क ड्यू टू दिस विल बी ग्रेटर देन टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन मैक्स वैल्यू, उससे बड़ा होगा तब, अब फ्रिक्शन का मैक्सिमम रख लेगा तो फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाएगा म्यू एम जी, सो
टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स मैक्स वैल्यू बी, हर जगह टॉर्क कहां लग रहा है, इस पेरिफेरी पे ही लग रहा है, तो सिंपली फोर्स म्यू एम जी इंटू ए, सबका डिस्टेंस सेम है। सो टू रोटेट दिस क्यू बी नॉट टी, मान लो टी नॉट टी ए स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन दिस, दिस गॉट कैंसल, सो टी शुड बी ग्रेटर देन म्यू एम जी बाय क्यू बी नॉट ए। सो अगर मानते हैं टाइम टी नॉट है, इस समय ये रिंग रोटेट करना स्टार्ट करेगा, राइट? मतलब इससे पहले फ्रिक्शन क्या था, स्टैटिक फ्रिक्शन था, उसका वैल्यू पूछेगा, निकाल लोगे, अब सब मैकेनिक्स है, हाँ बिल्कुल, टॉर्क इक्वल कर देना। उसके पहले रिंग रेस्ट में था, तो उस टाइम से पहले क्यू बी नॉट टी ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू म्यू एम जी ए, सॉरी एफ इंटू ए, तो उसके पहले फ्रिक्शन फोर्स ये था, क्यू बी नॉट टी ए के इक्वल था, उसके पहले फ्रिक्शनल फोर्स क्यू बी नॉट टी ए के इक्वल था। एम आई क्लियर? यहां तक किसी को डाउट है? नहीं, मतलब फ्रिक्शन फोर्स टी से टी नॉट तक वैरी कर रहा था, टी के साथ फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा था और अल्टीमेटली अपने पूरे औकात पे कब आ गया, जब पूरा औकात पे आ गया, तो उस केस में एट टाइम टी नॉट अब वो कॉल मैक्सिमम हो गया, अब वो नहीं रोक पाएगा, रिंग रोटेट करना शुरू कर देगा। क्लियर? ओके, प्लीज एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और करते हैं। सब इसमें जितना मैकेनिक डालना है डाल दो भाई, कुछ नहीं कर सकते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन देते हैं, देखो। लेट्स एज्यूम अगेन हैव अ नॉन कंडक्टिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, टोटल चार्ज क्यू एंड रेडियस ए, एंड देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड द सिलिंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस आर, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, बी इक्वल टू बी नॉट, ये था। नाउ इफ सडनली मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ, इफ सडनली मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ, देन क्वेश्चन इज फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिंग, होगा क्या होगा? रिंग सिंपली रखा हुआ था और हमने सडनली मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया, सो मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ करने के बाद रिंग का ओमेगा क्या होगा? मास आपको एम दे देते हैं, ऑप्शन दे क्या? अच्छा देते हैं, रुको दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यार बंद करो, ओके ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन ए क्यू बी नॉट बाय एम, ऑप्शन बी टू क्यू बी नॉट बाय एम, ऑप्शन सी क्यू बी नॉट बाय टू एम, ऑप्शन डी डाटा इनसफिशियंट। पूरे रीजन मैग्नेटिक फील्ड था, ये जो सिलिंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस आर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट था, सडनली मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ कर दिया, क्या कर रहे हो सर, कुछ भी दे दे रहे हो। ऐसा मैंने आपको करवाया एक क्वेश्चन जहां आपको करवाते फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, सब दिख रहा है, ठीक चलो मैं करता हूं। अब ध्यान दीजिए, हमने मैग्नेटिक को सडनली स्विच ऑफ कर दिया, क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज किया, यहां पे कॉन्स्टेंटली टाइम भाई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सडनली चेंज किया मैग्नेटिक फील्ड, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया तो देयर विल बी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो ऐसा क्वेश्चन किए हैं कि यहां पे टॉर्क लेगा, बट एक इंपल्सिव टॉर्क रहेगा, बहुत ही कम टाइम में मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया,
याद है हम लोग कहे थे करंट के वायर में चार्ज क्यू पास, मतलब करंट के वायर में चार्ज क्यू पास करते थे फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, तो वहां इंपल्सिव फोर्स लगा था। यहाँ पे इंपल्सिव टॉर्क लगेगा भाई, इंपल्सिव बता चुके हैं कि टॉर्क बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जस्ट क्या कॉल यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत शॉर्ट टाइम के लिए था, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया। इंपल्सिव टॉर्क आएगा तो हमें पता है कि इंपल्स जो होता है वो होता है टॉर्क डी टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम आई ओमेगा। यहाँ पे इनिशियल ओमेगा जीरो था इसलिए आई ओमेगा। सो हमें निकालना क्या है टॉर्क डी टी। ओके टॉर्क डी टी क्या होगा, पेट्रोल चार्ज क्यों है, यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मानते किसी टाइम पे क्या आएगा, वो तो है नहीं, टाइम वेरिंग है नहीं। सो इस पे फोर्स अगर हम लिखेंगे वो आता डी क्यू इन टू इस पे डी टॉक क्या आता, डी टॉक क्या आया अभी उन्होंने निकाले थे डी क्यू इन टू ई किसी स्मॉल सेक्शन पे इन टू ए। अगर इस पे फोर्स लग रहा है डी क्यू इन टू ई उसे कारण टॉर्क है डी क्यू इन टू ई इन टू ए, सो टॉर्क था क्यू इन टू ई इन टू ए, बस इसको इंटीग्रेट करते सारे डी क्यू का एड कर दिए, ये हम बार बार करते आ रहे हैं। सो टॉर्क यहां पे रख दिए, अगर हमको ई का वैल्यू नहीं पता है भाई क्योंकि हमको बी का फंक्शन नहीं दिया हुआ है, इट्स अ क्यू इन टू ई इन टू ए डी टी दैट इज आई ओमेगा। सो यहां पे क्यू कांस्टेंट है ए कांस्टेंट है ई डी टी नहीं पता, और हमें ई डी टी निकालना है, कैसे निकाले। सो बेसिक आते हैं ई कैसे निकाले थे, हमने निकाला था इस लूप पे अगर हम लिखते हैं सो ई इंटू टू पाई ए विल बी इक्वल टू पाई ए स्क्वायर डीवी बाई डीटी, यही करेंगे ना। अगर हमको इस पॉइंट पे ई निकालना है बेसिक डायरेक्शन ऐसे तो किए थे पाई गॉट कैंसल्ड ए गॉट कैंसल्ड, सो व्हाट वी गॉट ई इक्वल टू ए बाई टू डीवी बाई डीटी राइट। सो यहां से हमें क्या मिल गया ई डी टी इक्वल टू ए बाई टू डी वी, सो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी टी विल बी इक्वल टू ए बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी दैट इज सिंपली चेंज मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी नॉट, ये हमें मिल गया। ये क्या है ए बाई टू बी नॉट, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके हम पुट कर देते हैं सो व्हाट विल गेट क्यू ए इंटू ए बाई टू, मैं हर जगह से मैग्नीट्यूड देख रहा हूं तुमको डायरेक्शन पता है किधर घूमना है वो सब पता है, दिस आई ओमेगा। नाउ इट लोटेड अबाउट सेंटर ऑफ मास इट इज एम ए स्क्वायर ओमेगा, सो ए स्क्वायर गॉट कैंसल्ड, सो ओमेगा इक्वल टू हो गया क्यू बी नॉट बाय टू, बस कैलकुलेशन देखना कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं है राइट। कैसे घूमेगा तो सेम डायरेक्शन ऐसे, बिकॉज इंपल्सिव टॉर्क इधर ही तो लगेगा जब मैग्नेटिक यहां पे ये उल्टा घूमेगा, क्या मैं कर दिया मैग्नेटिक यहां पे घट रहा है बिनोट से क्या हुआ जीरो, सो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है सो करंट को बढ़ाना चाहेगा सो करंट ऐसे फ्लो करेगा, मीन्स यहां पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह ऐसा होगा तो ऐसे रोटेट करेगा फोर्स ऐसे लगेगा दिस दिस, इस तरह से यहां पे इंपल्सिव टॉर्क लगेगा दिस, करंट ऐसे फ्लो करेगा बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है राइट कोई दिक्कत नहीं। ओके नेक्स्ट मस्ती तो कर रहे हैं, देखो नीट वालों के लिए मैंने जहां पे प्रॉपर्टी लिखवा दिया था और एक क्वेश्चन करवा दिया इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा रिंग पे क्या लगेगा वहीं पे ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, उससे आगे आपको नहीं पूछेगा, बस लास्ट में एक दो क्वेश्चन कराएंगे वो देखते ना, अदरवाइज आपके लिए नहीं उतना इंपॉर्टेंट ये सब नहीं पूछेगा। चलो अब एक होमवर्क दे देते हैं यार, मान लिए अगेन वी हैव अ सिलिंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस आर, देयर इज अ डिस्क ऑफ रेडियस ए ठीक है, इस जगह मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट टी स्क्वायर, डिस्क है टोटल चार्ज क्यू मास एम, डिस्क है टोटल चार्ज क्यू मास एम, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन डिस्क एंड टेबल इज म्यू, देन क्वेश्चन इज फाइंड टाइम
फाइंड टाइम व्हेन दिस स्टार्ट्स रोटेटिंग, फाइंड टाइम व्हेन दिस स्टार्ट्स रोटेटिंग, फाइंड टाइम व्हेन दिस स्टार्ट्स रोटेटिंग, फटाफट फटाफट यू हैव टू फाइंड टाइम, ऑप्शन नहीं दूंगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, फटाफट करो, फाइंड टाइम व्हेन दिस स्टार्ट्स रोटेटिंग। टाइम हो रहा है भाई, एक काम करें, क्वेश्चन को होमवर्क कर देते हैं, ये होमवर्क बिल्कुल रिंग टाइप ही है, क्या अंतर है, क्या अंतर का बोलो, राइट, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, हमको आर पे जाकर डीआर कर लेना पड़ेगा, फिर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क निकालना पड़ेगा, फ्रिक्शन का भी टॉर्क निकालना पड़ेगा, फ्रिक्शन जब पूरे रिंग डिस्क में यहां से यहां लगेगा, दोनों को इंटीग्रेट करके फिर इक्वल करना है, ये आपका होमवर्क है। इसमें और मजा आ जाएगा जब इस रेस का रेडियस आर से बड़ा हो, मान लें कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड हो वी नॉट टी स्क्वायर और हमने ऐसा डिस्क रख दिया, और मजा आएगा, बिकॉज अब यहां पे इंटरसेक्टर का दो फंक्शन आएगा, यहां से यहां अलग आएगा, यहां से यहां अलग आएगा, तो जब हम टॉर्क निकालेंगे इंटीग्रेशन का दो लिमिट लेंगे, पहले जीरो से आर तक, फिर आर से लेकर ए तक, दो अलग अलग फील्ड होगा, करना दोनों करना, होमवर्क है, नेट वाले छूना भी मत। नेक्स्ट नेक्स्ट चलो मान लिए रीजन ऑफ रेडियस ए कंटेनिंग टाइम वेरी मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट टी स्क्वायर, और हमने इसका रेडियस ए है, अब इस पे हमने एक रॉड ले लिया ऑफ लेंथ ए, इस रॉड का लेंथ भी ए है, देन क्वेश्चन इज फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस रॉड ए बी, इस रॉड ए बी में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, इस रॉड का लेंथ ए है, इस रीजन का रेडियस ए है, एंड टाइम वेरी मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट टी स्क्वायर, फटाफट कीजिए, चलो ऑप्शन नहीं क्या, you have to find induced emf across this rod, is ab rod mein kitna emf induced hoga ye aapko nikalna hai, ho gaya, okay, dekho isme ek hota hai ki log dekh ke question likh ke toot padte hain, usse hi banega, ek tarika kya hai ye main karunga nahi bas aapko bata de raha hu kya karenge, chalo kar lete hain, hum indicate karenge humko har point pe e pata hai, to hum kya kiye yahan se x pe ja ke element liye dx ka, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इसके यहां पे हमने अगर लिया तो ये मेरा रेडियस है, उसके परपेंडिकुलर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लिया एंगल थीटा है, तो ये 90 एंगल था, ये एंगल भी थीटा, इसमें कोई दिक्कत, अरे भाई हम ये सेंटर है तो इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, हमने यहां ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, और इसके इधर टेंजेंट यही तो इलेक्ट्रिक डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो उसको घटाना चाहिए, इंड्यूस करंट कैसे प्रोपेगेट करेगा, ऐसे इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया, अरे इससे पास करता हुआ बन ड्रॉ कर लो सर्कल, टेंजेंट ऐसा ही होगा ना, ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और मान लीजिए मेरा डीएक्स है, सो मैग्नीट्यूड निकालना है, वो पता है पोटेंशियल इधर से इधर घटेगा, ये वो पता है, सो जो मैग्नीट्यूड ऑफ जो ईएमएफ होगा इसका मॉड वो क्या होगा, ई यहां पे जो ई का वैल्यू है ई डॉट डी आर, सो ई का वैल्यू इनटू डीएक्स और ये एंगल थीटा कॉस्ट एंड मैग्नीट्यूड,
करेक्ट ओके। अब पूरा हम यहां से यहां यहां पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, यहां से यहां तक एच लोग पूरे में निकालते हैं, पूरे निकालते हैं, पूरा अगर एफ हमको निकालना है सो एमएफ होगा इंडिकेशन ऑफ दिस ई डी एक्स कॉस थीटा एक्स कहां से कहां तक माइनस ए बाई टू से लेकर प्लस ए बाई टू यहां से लेकर यहां तक। अब ई क्या होगा अगर ये डिस्टेंस आर है सो अभी निकाल चुके हैं ये अंदर का पॉइंट है ई होगा बी नॉट टी आर बहुत बार निकाले सेम थिंग इसलिए हम लेकर चल रहे हैं आपको बारह तो क्वेश्चन नहीं करना पड़े माइनस ए बाई टू से ए बाई टू बी नॉट टी आर डी एक्स कॉस थीटा यहां पे दो वेरिएबल है आर भी और एक्स भी थीटा भी मजा आ गया जिंदगी के सारे आनंद मिल गए लेकिन क्या यार आनंद से मिल नहीं पाया ये बताओ आर कॉस थीटा इक्वल टू ये वाई होगा और ये वाई तो हर पॉइंट के लिए कॉन्स्टेंट है थीटा कोई वैल्यू ये डिस्टेंस तो कॉन्स्टेंट है सो आर कॉस थीटा वाई है सो इट इज बी नॉट टी आर पर लिख लेता हूं एक बार फिर से डी एक्स आर कॉस थीटा एंड डी एक्स इज फ्रॉम माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू सो आर कॉस थीटा इज वाई सो इट्स बी नॉट टी वाई डी एक्स माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू सो इट्स सिंपली बी नॉट टी वाई इंटू ए बहुत आसान हो गया ओके y का वैल्यू क्या होगा सो y इज ये ए बाई टू ये a सो y विल बी अंडर रूट थ्री ए बाई टू राइट सो यहां से आ जाएगा ई एम एफ इक्वल टू बी नोट टी अंडर रूट थ्री ए बाई टू इंटू ए बी नोट टी रूट थ्री ए स्क्वायर बाई टू निकल गया बट फिर भी इतना सोचना ही नहीं है अकल थोड़ा लगाओ थोड़ा दिमाग चलाओ ये मिटाए वन लाइन इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे मैं फिर से फिगर बनाता हूं मैं फिर से फिगर बना रहा हूं देखो इस टॉपिक मुझे पता है लोग परेशान होते हैं कि मैं इसमें बहुत कुछ करवाता हूं बुक में बस वहीं पे जो प्रॉपर्टी लिखा है वहीं पे खत्म हो जाता है ये टॉपिक शुरू होते ही खत्म होता है बट मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन इसमें करवाता हूं इस टॉपिक में ओके। अब हम एक और तरीका शो करते हैं हमको इसमें निकालते हैं अपना हम क्या करते हैं इस ट्रायंगल को ज्वाइन करते हैं अब बताओ इस पूरे ट्रायंगल में कितना एफ इंड्यूस होगा तब एक लूप बन गया तो व्हाट विल बी एमएफ इंड्यूस इन लूप ट्रायंगल ओएबी लूप में निकालना तो आसान होता है डी फाइव बाई डी टी एमएफ इंड्यूस्ड इन ट्रायंगल ओएबी इट्स सिंपली एरिया ऑफ ट्राइंगल इंटू डीबी बाई डी टी सो ट्राइंगल यहां पे क्या है इक्विलैटरल सो इट्स एरिया अरे ये ए है ये ए है ये ए है सो इट्स रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर इंटू टू बी नॉट टी आ गया रूट थ्री ए स्क्वायर बी नॉट टी बाय टू आ गया आंसर खुश क्या पूछा बोला सर ये तो पूरे ट्रायंगल में निकला मतलब OA, AB और OB में मिला के निकला आप तो सिर्फ पूछे थे इंड्यूस्ड MF इन रॉड AB आपने कैसे आंसर मिला दिया सिर्फ आंसर मिलाने से काम नहीं चलेगा सर समझाओ ये तो इस पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल का इंड्यूस्ड MF है आपने सिर्फ AB रॉड में पूछा था इस AB में पूछा था बच्चों बिल्कुल सही हो आप लेकिन आप बताओ OA पे हर जगह E टेंजेंशियल होगा और ये रेडियल है So, हर पॉइंट पे ये जो होगा ई डॉट डी आर ओ ए पे क्या होगा जीरो सिमिलरली ओबी पे भी ई डॉट डी आर क्या होगा जीरो बिकॉज ई इज टेंजेंशियल एंड हियर डी आर इज रेडियल सो ई डॉट डी आर ऑन ओ ए इज जीरो एंड ई डॉट डी आर ऑन ओ बी इज जीरो मतलब इस OA और OB में कोई भी एफ इंड्यूस नहीं होगा मतलब इस ट्रायंगल OAB में जो भी एफ इंड्यूस हुआ वो तो सिर्फ AB में होगा बस थोड़ा सा अक्कल लगाना था बस आ गया वन लाइन में आंसर कोई इंटीग्रेशन नहीं करना
इस ट्रायंगल OAB में जो MF इंड्यूस होगा वो सिर्फ नॉट AB में होगा, OA में नहीं होगा, OB में नहीं होगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, अगेन सिलिंड्रिकल डिजाइन ऑफ रेडियस आर, इट कंटेन्स मैग्नेटिक फील्ड बीज बिनोर टीएस का, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूं, ऐसा ही यूनिफॉर्म है हर जगह, मैं नहीं दिखा रहा हूं, चलो यहां पर दिखा देते हैं यार। मान लो यार कितना करते हैं, अब आपके पास एक रॉड ए बी है, यहां ऐसे रखा हुआ है, इसके बाहर एक रॉड ए बी है एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। देन क्वेश्चन इज फाइंड induced EMF in rod AB. Option A. Option B. ऑप्शन सी, डाटा इनसफिशिएंट, ई नोट। सो इन सिलिंड्रिकल डिजाइन वी हैव अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू बी नॉट टी स्क्वायर, अ रॉड ए बी इज केप्ट एज शो इन फिगर, देन क्वेश्चन इज फाइंड इंड्यूस्ड एमएफ इन रॉड ए बी, इस ए बी के क्रॉस कितना एमएफ इंड्यूस्ड होगा। हो गया, अब फिर से आप इंडिकेशन करेंगे चक्कर में फंस जाओगे यार। सिंपल मैंने आपको बताया उसको यूज करते हैं, ये ओ है, हम इसको ज्वाइन कर दिया, हमें पता है कि ये रेडियल है, मीन्स इंड्यूस्ड एमएफ इन ट्रायंगल ओ ए बी, इंड्यूस्ड एमएफ इन ट्रायंगल ओ ए बी विल बी सेम एज ई ए बी, बिकॉज ओ ए और ओ बी पे ई डॉट डी आर जीरो है। ओके, अब इस ट्रायंगल का कैसे निकालेंगे? अरे यार, अब इसके आहर तो बाहर कोई फील्ड है नहीं, जो भी फील्ड है इसके अंदर है, सो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स इन ट्रायंगल ओ ए बी क्या होगा? सिंपली फ्लक्स थ्रू दिस सर्कुलर सेगमेंट, इसमें जो फ्लक्स है वही तो बाहर का फील्ड जीरो है, सो दैट विल बी इक्वल टू थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर इनटू बी नॉट टी स्क्वायर।